मानसून की पहली बारिश और हरिद्वार में गंगा के उफान में बहती इन गाड़ियों को देखिए। एक साथ कई गाड़ियां हरिद्वार के उफान के साथ ऐसे बह रही हैं जैसे नदी में तैरती नाव हो। अंदर तो नहीं जाएगी, ये वाली गई, ये तो बच गई, ये गई, वो भी हरकी पड़ी जाएगी, ये गाड़ी गई। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस तस्वीर में देखिए, नदी की तेज धारा के साथ पत्ते की तरह ये कार कैसे बह रही है। आसपास मौजूद लोगों के लिए ये बहती कार किसी कौतूहल से कम नहीं है। एक के बाद एक कार इसी तरह गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी। इस तस्वीर में देखिए, एक कार पुल के पार दूर चली गई तो दूसरी कार बहती हुई फिर आ गई। गंगा की धारा में बहती ये कारें एक एक कर नदी में समा गईं। इस तस्वीर में चार पांच गाड़ियां एक साथ कागज की कश्ती की तरह बह रही है। नदी के किनारे खड़ी गाड़ियों को एक एक कर पानी बहा कर ले जा रहा है। दरअसल गंगा नदी में ये सैलाब खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में अचानक आए पानी के कारण से आया है। यहाँ सूखी नदी के रास्ते पर खड़ी हुई गाड़ियाँ अचानक पानी आ जाने से गंगा में बहने लगी और फिर पानी में समा गई। फिलहाल सूखी नदी में आया उफान भी शांत हो गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसे स्थान पर गाड़ी ना खड़ी करने की लोगों से अपील की जा रही है। हरिद्वार में सूखी नदी से कई गाड़ियों के बह जाने का वीडियो ने पूरे लोगों को जो है हैरत में डाल दिया। मैं इस वक्त वहीं सूखी नदी पर मौजूद हूं और इसी जगह पर सभी गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी जहां से बारिश आने के बाद बरसाती नदी उफान पर आ गई और यहां से सभी जो गाड़ियां यहां पर मौजूद थी खड़ी हुई थी वो सब यहां से पानी में बहने लगी। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये जो मेरी दाहिनी ओर जो हिस्सा है उस जगह से पहाड़ों से निकल कर यहां पर पानी आया और इसी जगह पर ये सभी गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी क्योंकि यहां से थोड़ी दूरी पर शमशान घाट है और जो भी लोग शमशान घाट में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं क्योंकि ये जो बरसाती नदी है ये साल भर इसमें पानी नहीं आता है सूखी नदी में। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से जैसे ही पानी बहता हुआ आया ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पर बह गई और गंगा की इस धारा में चली गई। ये जो धारा सामने गंगा की नज़र आ रही है ये धारा हरकी पैड़ी की तरफ भी जाती है तो यहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि देर शाम प्रशासन ने काफ़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों को पानी से बाहर निकाल लिया है। कुछ दो गाड़ियां जो है वो अभी भी पानी में फंसी हुई बताई जा रही हैं। ये सिर्फ बरसाती नदी के उफान पर आने के वजह से जो है ये गाड़ियां यहां पर बही थी और उसके अलावा किसी भी तरह के कोई भी खतरे की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप हरिद्वार आए तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सुरक्षित स्थान पर ही अपनी गाड़ी को पार्क करें, किसी भी बरसाती नदी के आसपास गाड़ी को पार्क ना करें। पहाड़ों में हो रही और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए मारो राजस्थान।